अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, और वो टॉपिक चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, वेव मोशन एंड साउंड से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है बीट्स। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले ना इस वीडियो के अंदर वो क्या क्या है, देखो बीट्स क्या है, बीट्स कैसे फॉर्म होती हैं, और फिर एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बीट्स की डेफिनेशन। सो द पीरियोडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसीज और आर कॉल्ड बीट्स। देखो अगर दो ऐसी वेव्स, ठीक है, दो ऐसी वेव्स ओवरलैप करें, सुपरपोज करें, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है, यानी कि आप समझ लो कि थोड़ा सा फ़र्क है उनकी फ्रीक्वेंसीज में, तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो एक वेव मिलती है जिसके अंदर पीरियोडिकली अल्टरनेट होता रहता है साउंड मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस में। यानी कि साउंड की जो लाउडनेस होती है वो बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, और ऐसा पीरियोडिकली होता है, ठीक है। यानी कि आवाज़ का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, अगर ऐसा हो दो ऐसी वेव्स के मिलने से जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, तो इन बनने वाली वेव्स को कहते हैं बीट्स, ठीक है। कैसे बनती हैं बीट्स वो हम आगे समझते हैं, अभी फ़िलहाल और इसके इंट्रोडक्शन में देख लो। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉक्स। अगर हम दो ट्यूनिंग फॉक्स को वाइब्रेट कराते हैं तो याद रखो जो नंबर ऑफ बीट्स हैं जो कि पर सेकेंड हमें सुनाई देंगे, यानी कि साउंड का बढ़ना और कम होना और फिर बढ़ना जो हमें सुनाई देगा, वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉर्क, जो भी ट्यूनिंग फॉर्क है हम वाइब्रेट करवा रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है, द मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दैट द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट इज 7 बीट्स पर सेकेंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक इंसानी कान सुन सकता है बीट्स वो हैं 7 बीट्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। अच्छा, जब बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड ज़्यादा हो जाती हैं 7 से, तो फिर हम उन्हें क्लियरली नहीं सुन सकते, हमें साउंड तो सुनाई देगा लेकिन वो हम मतलब बढ़ना और कम होना सुनाई नहीं देगा, तो फिर जो है वो हम मतलब उसको बीट्स मानेंगे नहीं, हम उसको एक क्लियर साउंड के तौर पर सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना सुन लेते हैं साउंड, ताकि आप लोग सुनोगे तो फिर बात क्लियर होगी, उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। तो देखो मैंने एक ऑनलाइन टून जनरेटर ओपन करा हुआ है, ठीक है, ये आपको ईजिली अवेलेबल है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने दो ऑनलाइन टून जनरेटर ओपन करे हुए हैं, ठीक है, एक ये वाला है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 512, और एक ये है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है 504 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ जो कि साउंड होगा 512 वाला, तो पहले आप इसको ऑब्जर्व करो कि ये आवाज़ किस किस्म का है। तो देखो आपको एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई दे रहा है, ये जो साउंड है ना ये है 512 हर्ट्ज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं दूसरे वाले ऑनलाइन टून जनरेटर से एक साउंड जनरेट करूंगा और वो होगा 513, ठीक है। पहले मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूँ, यह है 513। अब देखो जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा तो आप देखना साउंड 512 तो ऑलरेडी प्ले हो रहा है, अभी 513 और प्ले होगा, अब देखना रिजल्ट में हमें बीट सुनाई देंगी। अब देखो हमें हर सेकंड के अंदर एक बीट सुनाई दे रही है, 512 और 513 डिफरेंस 1 का है, तो आप देखो कि एक बीट सुनाई दे रही है हर सेकंड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ एक और, अब आप सुन सकते हो कि आपको दो बीट सुनाई दे रही हैं, ज़्यादा बीट सुनाई दे रही हैं पर सेकेंड, ठीक है। और इंक्रीज़ करते हैं, ये 3 बीट्स हो गई पर सेकेंड, 4 बीट्स हो गई पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, 5, 6, 7, ठीक है, 7 बीट्स तक हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन अगर बीट्स की तादाद हम बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि अभी है एक 512 और दूसरे वाले को मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा देता हूँ, अब आप सुनोगे तो आपको एक कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगा, अजीब गरीब से जैसा भी सुनाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल बीट्स तो सुनाई नहीं दे रहे। अब ग्राफ के ज़रिए समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो मिसाल के तौर पर पहली वेव है Y1, ये किस तरीके से मूव कर रही है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक वेव है वो ट्रेवल कर रही है Y1, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो है वो कितनी वेव्स बन रही हैं एक सेकेंड के अंदर, तो लेट्स से इसकी जो है वो एक सेकंड के अंदर बन रही हैं 4 वेव्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, और जो दूसरी वेव्स हैं उसकी समझ लो 4.5 वेव्स बन रही हैं, तो आप देखोगे तो उसकी ज़्यादा वेव्स हमें नज़र आएंगी, इसकी जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कुछ ज़्यादा बन रही हैं,
ठीक है 4.5 कर लेते हैं या आप उसको 5 कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये देखो कि कब हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई देगी और कब हमें मिनिमम लाउडनेस सुनाई देगी। देखो एक पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा जहाँ पर दोनों का क्रस्ट पे क्रस्ट लाए करेगा, और हमें पता है कि अगर क्रस्ट पे क्रस्ट लाए करता है तो क्या होता है, सबसे पहले बात है कि उसको हम कहते हैं कि ये दोनों वेव्स आ गए इन फेज। अगर इन फेज आ गए क्रस्ट पे क्रस्ट लाए करता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि दोनों साउंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमें एक लार्ज यानी कि लाउड साउंड सुनाई देगा, जो कि देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा लाउड साउंड है। अच्छा फिर क्या हो गया, फिर अगर यहाँ पे देखो तो ये मैक्सिमम है और ये फिर मैक्सिमम के अक्रॉस ही कुछ है लेकिन एग्जैक्ट मैक्सिमम नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी फिर डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर क्रस्ट जो है वो लाए करेगा दूसरे के ट्रफ पे, यानी कि दोनों वेव्स यहाँ पर होंगी आउट ऑफ फेज। और अगर दोनों ही आउट ऑफ फेज होंगी तो हमें पता है कि अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ लाए करता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें कोई साउंड की लाउडनेस सुनाई ही नहीं देगी, ठीक है, यानी कि मिनिमम सुनाई देगी। और फिर इसी तरीके से चलते चलते जहाँ पर दोबारा से आप देखोगे कि क्रस्ट के ऊपर एग्जैक्ट क्रस्ट लाए करेगा तो वहाँ पर देखने में आएगा मैक्सिमम लाउडनेस। तो याद रखो कि अगर दो वेव्स ओवरलैप करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है तो ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता है, जहाँ पर क्रस्ट पे क्रस्ट आता है यानी कि दोनों इन फेज़ होती हैं तो लाउड साउंड सुनाई देता है, और फिर मिनिमम साउंड सुनाई देता है जहाँ पे आउट ऑफ फेज़ हो फिर लाउड साउंड सुनाई देता है। तो मैंने बताया जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो तो जैसी वो ओवरलैप करेंगे तो नतीजे में जो हमें वेव्स मिलेंगी उनमें जो लाउडनेस है वो अल्टरनेट होती रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम में, यानी कि हमें साउंड सुनाई देगा फिर कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी सुनवाया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स किस तरीके से है। कंसिडर कर लेते हैं दो वेव्स विद इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है, यानी वन और टू में इतना कोई फर्क नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। द डिस्प्लेसमेंट दैट ईच वेव प्रोड्यूसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, हम इक्वेशन के जरिए शो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल y1 और y2। अच्छा दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये दोनों आ गया a0, ठीक है। अच्छा दोनों जो है वो डिपेंड कर रही हैं कौन से फंक्शन पे, कॉस पे, तो वो गया कॉस 2πf1t और यहाँ पे आ गया कॉस 2πf2t, ठीक है। दो वेव्स हैं, ये आ गई 2πf1t और दूसरी आ गई 2πf2t, बस सिर्फ दोनों में फ्रीक्वेंसीज के फ़र्क है, बाकी डायरेक्शन भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये बात याद रखो y1 y2 क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वेव्स की, जो वेव्स हैं 1 और 2 उनकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन है। अच्छा जी अब क्या होता है, ये दोनों वेव्स कंबाइन होती हैं, लेट y बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल y से शो करेंगे, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लोग पढ़ चुके हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है नई वेव की उसको हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग। सो y1 प्लस y2 करेंगे, y1 की वैल्यू है a0 cos 2πf1t और y2 की वैल्यू है cos 2πf2t, ठीक है, और a0 को हमने दोनों में से ले लिया कॉमन। अब हम एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, तो उस इक्वेशन के मुताबिक जो अल्फा था वो क्या था, अल्फा था 2πf1t और ये था 2πf2t के बराबर, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो 2, ये जो फार्मूले वाला 2 है उसको पहले लिख दिया हमने, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और ए नॉट की वैल्यू जो कि लिखी हुई थी वो पिछले ब्रैकेट के अंदर वो उसी तरीके से आ गई, और फिर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है तो 2π तो दोनों में कॉमन था, यहाँ पर आ गया f1 माइनस f2 अपॉन 2 इंटू कॉस 2πf1 प्लस f2 अपॉन 2 इंटू t। अच्छा दोनों के साथ t तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो t को तो हम रहने देंगे, कॉमन ले लेंगे, ऐसा समझ लो कि हमने क्या किया, हमने 2π को भी कॉमन ले लिया दोनों में से और t को भी कॉमन ले लिया, और प्लस की वैल्यू को देखो ये मल्टीप्लाई है तो प्लस की वैल्यू को पहले या बाद में तो लिखा जा सकता है, तो हमने एक वजह है कि हमने f1 माइनस f2 अपॉन 2 को पहले लिख दिया और f1 प्लस f2 अपॉन 2 को बाद में लिखा। लेट्स से दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है जो कि y है इक्वेशन नंबर 3 से जो हम शो कर रहे हैं उसमें एक इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है f1 प्लस f2 अपॉन 2, जो मेन फैक्टर आ रहा है ना f1 प्लस f2 का, और जो एम्पलीट्यूड है शुरू में लिखा हुआ था एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि मैंने नीचे लिखा है एम्पलीट्यूड है 2a0 cos 2πf1 माइनस f2 अपॉन 2 इंटू टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस पूरी वैल्यू के अंदर देखो 2 कॉन्स्टेंट,
ए नॉट कॉन्स्टेंट, टू पाई कॉन्स्टेंट, टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, ये टू कॉन्स्टेंट, यानी कि अगर आप ये देखो कि कुछ अगर डिपेंड कर रहा है, जो इक्वेशन नंबर फोर है वो शो करेगी कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है टाइम के लिहाज से, ठीक है, टाइम के लिहाज से ही वेरी कर रहा है, और सिर्फ किसके लिहाज से वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के लिहाज से। अच्छा जी, अब ये बात हम जानते हैं इस फिगर में देखो कि आपको जो है ना एक बीट के अंदर दो मरतबा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है और एक मरतबा मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है हर बीट में। ये एक बीट मैंने आपको बना के दिखाई भी है ना, ये एक बीट को शो कर रही है, एक बीट के अंदर आप मैक्सिमम लाउडनेस देखोगे दो मरतबा, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो अगर दो मरतबा आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो मैक्सिमम बीट एम्पलीट्यूड है वो डिटेक्ट कर सकती है जब कॉस टू पाई एफ एन माइनस एफ टू अपॉन टी टू इंटू टी बराबर होगा प्लस या माइनस के बन के, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्स्टेंट, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इन फैक्टर्स पे। तो अगर तो ये प्लस या माइनस वन के बराबर होंगे तभी हम देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है, ये एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, देयर विल बी टू मैक्सिमम ईच साइकिल, जो कि मैंने आपको बताया हर साइकिल में, हर बीट में दो मैक्सिमम होते हैं। सिंस द एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी एज द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ठीक है, वेरी कर रहा है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है एफ बी वो ट्वाइस होगा दिस वैल्यू के, यानी कि ये जो वैल्यू है जिस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है एफ एन माइनस एफ टू अपॉन टू, इस पर जो डिपेंड कर रहा है वो इसके ट्वाइस के बराबर होगा। और अगर इसका ट्वाइस करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो देखो, बताने की बात ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बीट्स भी तो वेरी करेंगी ना, तो नंबर ऑफ बीट्स भी वेरी करेंगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी जो है, क्योंकि दो मरतबा होता है, ठीक है, हर साइकिल के अंदर दो मैक्सिमा होते हैं, तो वो इसके ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्वाइस कर भी देता हूँ तो आप देखोगे टू से ये वाला टू हो जाएगा कैंसिल, तो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फैक्टर आएगा एफ वन माइनस एफ टू, ये बराबर आ जाएगा हमारी बीट फ्रीक्वेंसी के। और ज़रूरी नहीं है कि बीट फ्रीक्वेंसी में एफ वन माइनस एफ टू किया जाए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एफ टू में से एफ वन को माइनस करना पड़े। बस ये बात याद रखनी है कि अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, ताकि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ जाए और बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लग जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है। और पता तो है ना, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी बीट्स हम सुनते हैं, जो कि मैक्सिमम सेवन डिटेक्ट की जा सकती है।